हेलो एवरीवन वेलकम टू अव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज़ प्रवीण हेयर आज मैं बात करने वाली हूँ मेनली नवंबर 2022 का जो टेट होने वाला है उसके बारे में उसकी नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर पे आ चुकी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेन होंगी मैं सिलेबस क्या स्ट्रेटजीज होती हैं डेट एग्जाम की क्या है पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स इन पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी बात रहेगी अगर इन चीज़ों की कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स के लिए मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी के लिए इन सभी कैटेगरी के लिए मैं अलग अलग से एक एक वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए होते हैं वो लोग कैसे जो है वो क्रैक कर सकते हैं टेट क्योंकि अगर आप लोगों का दस बारह नंबर से रहता है तो भी वो द, चीज थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती है हालांकि दुख तो उतना ही होता है प्रिपरेशन तो करी होती है लेकिन जब एक या दो नंबर से रहते हैं तो बहुत ज्यादा दुख किसी इंसान को होता है तो वो क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है इस पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी आर्ट्स वालों के लिए भी चाहे आप जेवीटी डेट के हो चाहे आप मेडिकल नॉन मेडिकल के हो सबके लिए वो वीडियोस रहेंगी और अलग अलग मैं बनाऊंगी आर्ट्स वालों के अलग की क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए क्योंकि हर एक का सिलेबस अलग है इसमें सिर्फ जे के साइकोलॉजी कॉमन रहता है बाकी सब्जेक्ट्स अलग हैं तो सबके लिए वीडियो रहेगी आपको इस वीडियो के बाद एक दो दिन में ये वीडियोस मिल जाएंगी तो आप चैनल पे बने रहिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए तब आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम शेयर कर देंगे और ये टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगा अबाउट में आप वहां पे देख सकते हैं चलिए बात करते हैं जो नोटिफिकेशन अभी न्यूज़पेपर में जारी किया है उसके जो ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन जो आपके डेट आ चुकी है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे स्टूडेंट 19 सितंबर जो लिखा हुआ है तो 19 मार्च की यहाँ पे बात की गई है टेट के ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और ये जो डेट है कि कब तक आप कर सकते हैं तो दस अक्टूबर तक आप अपनी फीस जमा करवा के ये फॉर्म फॉर्मेलिटी जो भी है उसको पूरा कर सकते हैं फीस वही है कि आपके जो टेट की आठ सौ रुपये फ़ीस लगती है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एट हंड्रेड फ़ीस लगेगी और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से एस सी एस टी जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है एस सी एस टी और अन्य वर्ग ठीक है हैंडी कैप्ट तो आपकी जो है फ़ीस कम लगती है इसमें ओनली फाइव हंड्रेड रुपीज़ आई थिंक लगते हैं और अगर आप जो है यहाँ पे देखिए दस अक्टूबर के बाद फ़ीस करवाते हैं तो लेट फीस का इसमें जो है वो आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि जब जो है ये डेट्स दी हुई हैं उसी के अंदर अपना फॉर्म जो है फिल कर लें हालांकि इस बार जो लेट फीस का है ये ने इसमें डाला हुआ है मैं थोड़ा सा कटिंग पे आपका फोकस ले जाना चाहती हूँ यहाँ पे मैंने एक और कटिंग लगाई हुई है देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो अनाउंस किया है जो न्यूज़पेपर पे डेट्स आई हैं एग्जाम की तो आप देखिए नाइन्थ नवंबर 9 नवंबर से लेके 17 नवंबर 17 नवंबर तक की डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं ठीक है टाइम टेबल पे हम बाद में आते हैं लेकिन यहाँ पे डेट्स आप ध्यान में रखिए फिर देखिए न्यूज़पेपर में क्या लिख रखा है कि इसमें लिख रखा है कि पहली बार जो है लेट फीस यहाँ देखिए पहली बार टेट में लेट फीस का प्रावधान किया गया है जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि 9 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है वह दस से पंद्रह नवंबर तक तीन सौ रुपए लेट फीस देकर जो है आवेदन कर सकता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे ये चीज बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई जो मैं यहाँ न्यूज़पेपर पे देख पा रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि दस से पंद्रह नवंबर को आप जो है वो तीन सौ रुपए लेट फीस भरी और आगे देखिए इन्होंने कहा इसके अलावा सोलह से सत्रह नवंबर को अभ्यार्थी जो है अपने आवेदन पत्र में शुद्धिकरण करने का प्रावधान रहेगा मतलब अगर कोई मिस्टेक्स है तो आप सोलह से सत्रह को ठीक कर सकते हैं और इनफैक्ट इन्होंने जो डेट्स अनाउंस करी है वो आपकी यही है जो नौ से सत्रह है और उसके बीच में ये कैसे लेट फीस के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं ये चीज मुझे बिल्कुल भी इनकी समझ में नहीं आई है ठीक है जी और एक ही अंतिम तिथि होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी जो है आवेदन रद्द हो जाए जाते हैं लेट फीस के प्रावधान से ऐसे अभ्यर्थी को राहत मिलेगी इन्होंने ये चीज कही है कि लेट फीस के ये बेनिफिट रहेंगे और इन्होंने न्यूज़पेपर में ये चीज़ भी देखी लिख रखी है कि 2019 का जो टैट था जून में उसमें 3000 आवेदन जो थे वो इसी तरह से जो है रद्द हो चुके थे जिनकी फीस जो थी वो टाइम से जो है जमा नहीं हुई हो ठीक है लेकिन ये चीज़ अभी तक आप इन डेट पे ना जाएं जो यहाँ ये जो धर्मशाला की तरफ से हरीश चंद्र जी ने जो आर्टिकल डाला हुआ है न्यूज पेपर में जिसमें ये लेट फीस की डेट्स के बारे में आप इनको देखिए और यहाँ पे जो जो इन्होंने इसी आर्टिकल में जो ये डेट्स दी हुई हैं इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है बट स्टूडेंट्स अभी तक मैंने ये पोर्टल देखा था जैसे यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट आप देखिए नौ नवम्बर को सुबह के सत्र में जेवीटी देखो यहाँ पे भी लिख रखा है कि नौ नवंबर से शुरू हो जाएगा और आगे लिख रखा है लेट फीस तो इस चीज पे वो आप मतलब सीरियसली मत लेना अभी क्योंकि अभी कोई भी जो है ऑफिशियल जो नोटिस है इसके रिगार्डिंग कि कब तक आप कर सकते हैं एनरोलमेंट अपनी लास्ट डेट क्या है इसकी तो वो नहीं है आवेदन करने के बाद दस अक्टूबर तक फीस जमा करवाई जा सकती है ये चीज भी यहाँ पे दे रखी है अब आप ये सुन लीजिए टैर तो जल्दी ही भरने वाला है आपका इस चीज़ का आप ध्यान रखिए अब जब मैंने एच बोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके हेल्प से हमें सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है वहां पे अभी तक स्टूडेंट्स पोर्टल ओपन नहीं हुआ है पोर्टल आपका जैसे इनका न्यूज़पेपर में ये आ गया है तो पोर्टल इसी वीक जो है आपका ओपन हो जाएगा ये पूरी संभावना है क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो पोर्टल ओपन हो जाता है तो अब आपने टच में रहना है देखिए कभी भी आप अगर इधर उधर से कोई भी न्यूज देखते हैं तो सीधे जाइए आप उसको न्यूज को कंफर्म करने के लिए आपने कुछ नहीं करना आपने एच पी बोस डॉटर जी सर्च करना है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा होम पेज ओपन होने के बाद आपने वहां पे क्या करना है वहां के नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है नोटिफिकेशन सेक्शन में नो, रिसेंट नोटिफिकेशन में ही आ जाएगा जब इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा वहीं से आप अपना फॉर्म अपने आप भी भर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो अपने टच में रहना है एचपी बोर्ड के जो साइट है उस पर टच में रहना है और आवेदन जल्दी से जल्दी अपना फिल करना है फॉर्म जितने जल्दी आप फिल कर सको जब आ गया तो अच्छी बात है अब मैं बात करती हूँ इसमें दूसरी सिलेबस और स्ट्रेटेजीज के बारे में थोड़ा सा सिलेबस की बात करती हूँ तो देखिए पहले मैं अगर आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स का जो सिलेबस है डिटेल मैं एक अलग वीडियो में आपको दूंगी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको जो है एस एस इंग्लिश मेजर रहता है आपका साइकोलॉजी और जी सेक्शन रहता है और हालांकि ये जो थोड़ा जीके होता है आपका एसएसटी से काफ़ी मैच करता है तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आती है लेकिन एसएसटी अगर अच्छे से एनसीईआरटी टेंथ तक की भी आप पढ़ लेते हैं अच्छे से डीपली ठीक है ऊपर ऊपर से नहीं डीपली सिक्स टू टेंथ डीप आप एनसीईआरटी से एसएसटी की पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट वहां से निकल के आते हैं और इंग्लिश के लिए ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है और कुछ जो है एडिशनल चीजें जो होती हैं इंग्लिश में जिन पे फोकस करना रहता है जो रिपीट हुई हैं उन पे आपने देखना है स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आप अपना एक ऐसा टाइम टेबल सेट करें ताकि आप जो है अच्छे नंबर ले सके सिलेबस so, पढ़ना क्या है उस चीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फाइंड आउट कर लें एग्जाम डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं है क्योंकि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग तो डेट शीट इन्होंने दे दी है लेकिन अभी हो सकता है इसमें कोई बदलाव हो क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ भी फिक्स नहीं है तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एचपी डाट का जो एग्जाम पैटर्न चलता आ रहा है वही है अभी तक अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं जैसे नेगेटिव मार्किंग बोल रहे थे कि आ सकती है ऐसा कुछ भी नहीं अभी हुआ है कि पेपर जो है एक ही टाइप के दो पेपर होंगे ऐसा भी कुछ भी अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करा है कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन अगर आती है तो चैनल पे हम अपडेट कर देते हैं तो चैनल पे आप अपडेशन के लिए जैसे कि बोलते हैं मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप जो यहाँ पे एक बेल आइकन बना हुआ है बेल की तरह इसको प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा टाइम से मिल जाए या फिर मैंने कहा कि आपको टेलीग्राम फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो है नाइनटी होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स देखो स्टूडेंट्स जो मैंने पहले भी कहा कि जिनके जो है नंबर आसपास बनते हैं कि एटी नाइन एटी एट और एटी सेवन ज़्यादातर है ये क्यों आते हैं इन पे वर्क करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के कहा कि मैं आर्ट्स के लिए जेबीटी के लिए और आपका जो मेडिकल नॉन मेडिकल है सब के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी चार वीडियो सेपरेट रहेंगी हालांकि जो आप अगर मेडिकल आर्ट्स या नॉन मेडिकल के हैं इस बार ये भी सुनने में आया है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि आप जेबीटी का टैट भी दे सकते हैं मतलब तो जेबीटी बी एड वाले भी जेबीटी दे सकते हैं तो जेबीटी का सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पे रिसेंट आप मेरी वीडियोज में जाके स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं या डिफरेंट प्ले लिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं जेवीटी का मैंने अलग एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है फोल्डर उसको आप देख सकते हैं अगर आपकी बी एड है तो आप जेवीटी के पेपर भी भरिए कल को अगर वैलिड हो जाता है आपका क्वालिफाइंग है तो आप बेनिफिट में रहेंगे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है हो सकता है गवर्नमेंट एचपी गवर्नमेंट भी अलाउ कर दे आने वाले पोस्ट में आप एलिजिबल हो जाए तो टैट करके रखिए अपना आपका फायदा है ठीक है तो इस बार जो है चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, टैट एचपी टैट के लिए स्पेशल मैंने कहा है कि साइकोलॉजी की सीरीज यूट्यूब पे आएगी जो कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी और एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें आपको बहुत आसान भाषा में चीज़ें करवाई जाएंगी रहेगी वो एच पी टैट के रिगार्डिंग बिकॉज सी टैट से एच पी टैट बहुत डिफर करता है और सी टैट में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट रहते हैं इस चीज़ को लेके वैसे सी टैट का आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी लेकिन एच पी के लिए स्पेशली साइकोलॉजी uh, जो है वो uh, अब मैं करवाऊंगी आपको जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स को देखते हुए ये सीरीज बनाई जाएगी बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी कम वीडियोस में आपको ज्यादा सिलेबस करवाने की कोशिश की जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स तो हम मिलते हैं अगली सिलेबस वाली वीडियोस में स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में और पैटर्न क्या रहेगा और कैसे आप क्वालिफाई ईजिली कर सकते हैं टैट इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है